नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने आज 7 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाले एक्सीलेंस स्कूल में छात्रावास आदि के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर विधायक कल्याण सिंह ठाकुर भी मौजूद थी। अंजलि किरार, रुचि बघेल और प्राची को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आकर के माँ भगवती सरस्वती की वंदना, विधायक जी को पुष्पमाला अर्पित की, विद्यालय के लिए निश्चित तौर पे एक उपलब्धि भरा दिन है। उत्कृष्ट विद्यालय की जैसे ही संरचना हुई थी 2002 में, बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय बनाया गया, तभी से एक महती आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि यहाँ पर हॉस्टल हो, छात्रावास हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते थे और उन्हें यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का जो शासन का लक्ष्य था उसकी, तो ये कहते हैं कि मैडम हम छात्रावास में रहते हैं, कमरा लेके रहते हैं, और कुछ बच्चे इसीलिए एडमिशन से वंचित हो जाते हैं कि उन्हें यहाँ रहने का इंतजाम नहीं होता है। इस बार भी हम किसी न किसी बच्चे को लाएंगे, क्योंकि हमारे वक्ता बहुत है, लेकिन 71,77,000 से जो बच्चों के लिए दो छात्रावासों का निर्माण हो रहा है, उस विद्यालय में भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भाई साहब शिवराज सिंह जी ने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का भी शुभारंभ किया। ऐसे पहले जब उन्होंने बताया था तो पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब एक साथ 10 मेडिकल कॉलेज और नए बन रहे हैं, जिनमें 3-4 प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी आपका पढ़ाई का पूरा खर्चा देंगे और आगे विस्तार से हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष जी आपको और पूरी जानकारी देंगे। इतनी बात कहकर मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश की कमान संभाली है, सबसे ज्यादा उन्होंने अगर चिंता की है तो इस बात की चिंता की है कि हमारा ये मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य है, एक ऐसा राज्य जहां सड़कें नहीं है, एक ऐसा राज्य जहां गांव में विद्यालय नहीं है, एक ऐसा राज्य जहां बच्चों के लिए पढ़ने की सुविधा नहीं है, एक ऐसा राज्य जहां अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, एक ऐसा राज्य अगर अस्पताल में मरीज चला जाए तो पट्टी, अगर एक्सीडेंट भगवान ना करे अगर दुर्घटना हो जाए और अस्पताल में चला जाए तो अस्पताल में पट्टी नहीं है, दवाइयां नहीं है, गोली नहीं है, हमारे गांव में विद्यालय नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, बिजली यहां पर मिलती नहीं थी। एक ऐसे बीमारी राज्य की कमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभाली जहां सब कुछ गड्ढम गढ़ था, विकास के नाम पर शून्य था। हमारे बच्चों के लिए ये आदर्श विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय है, पूरे जिले की शिक्षा की अगर निगाह रहती है सारे विद्यालयों के, क्योंकि आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कंपटीशन है, बहुत कम शासकीय विद्यालय ऐसे बचे हैं जो गुणवत्ता के आधार पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नहीं तो सारी जगह प्राइवेटकरण हो गया है। वो प्राइवेटकरण में भी बड़ी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ विद्यालयों में है, उन विद्यालयों के साथ चलकर हमारे इन गरीब परिवारों के, हमारे ऐसे परिवारों के जो पूरे जिले से बच्चे यहाँ पर आए उनको बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए हमारा पूरा स्टाफ दिन रात काम कर रहा है और मैडम चारू को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ईश्वरी सर्वभूतानां तारियोपवेश्रियं पुष्पमालिकां समर्पयामि प्रीतां। अस्तु भगवान की जय। गणेश जी महाराज की जय।